हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की काम करती है, वैसी आइडियोलॉजी आरएसएस की, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हमको जब तक जिंदा है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मंजूर नहीं है, ये ऐलान करने के लिए यहां पर हम मौजूद हैं। और सियासत में अल्लाह की कसम, चमचा गिरी करने के लिए, पैरवी करने के लिए पैसे जमाने के लिए, यहां पर जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, बताइए हम कौन सी पार्टी को जाते हैं, कौन सी पार्टी को नहीं जाते, देखेंगे, देखा जाएगा। जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि मुसलमान जनता दल सेक्युलर को वोट नहीं दिया है, उसका सबसे बड़ा खामियाजा वो मैं खुद जातियत पे है, मेरे सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा भी हुआ है, इलेक्शन आ रहा हूं, मेहनत किया हूं, पैसा वाला हूं, टीम आप सब लोग उसके गवाह है और मेरा साथ दिए हैं आप लोग। जब तक सियासत में रहा हूं, ईमानदारी के साथ रहा हूं, कमिटमेंट के साथ रहा हूं, उसूलों के साथ रहा हूं, मुझसे क्या हासिल हुआ क्या हासिल नहीं हुआ इसका हिसाब किताब आप कर लीजिए, मगर जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, सर उछा करके जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के इस आइडियोलॉजी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मैंने नहीं किया, हमने नहीं किया, ये सोच लेकर के हमको जाना है। कुमार अन्ना, हमें बहुत तकलीफ है, हम पार्टी से नाराज है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां खड़ा होकर कुमार स्वामी को गाली दूंगा, देवेगौड़ा जी को गाली दूंगा, नहीं दूंगा, मजबूरी है उनकी, मजबूरी है, मजबूर वो है पार्टी को बचाने के लिए, चार सीट मिलते हैं, पांच सीट मिलते हैं उनके एमपीस को जिताने के लिए, हम मजबूर हैं अपने उसूलों को बचाने के लिए, मिल्लत को बचाने के लिए, तो फैसला क्या भी हो मगर एक फैसला बड़ा साफ है कि हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ नहीं कर सकते, ये स्टैंड हमारा क्लियर है, ये एमएनवी साहब का स्टैंड क्लियर है, मोहित अल्ताफ साहब का स्टैंड क्लियर है, इनायतुल्ला साहब का, मुनाफ साहब का स्टैंड क्लियर है, गुरमीत सिंह साहब का स्टैंड क्लियर है, सिद्धराम मामा का है, राजू हिरेमठ का भी स्टैंड वही है। मैं समझता हूं आज इतने लोग यहां पर आए हैं, इस एक पास से आप तमाम लोग ऑनलाइन रेजोल्यूशन के, हम तमाम लोग एक होकर के बेंगलुरु में रेजिग्नेशन देने वाले हैं, कोई उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं। आज के मिसाल की इजलास की जो सदारत इस मजलिस में जो लिए हैं, एक्स मिनिस्टर, सीनियर लीडर एम एम नबी साहब, वाइस पर मौजूद नायतुल्ला फादरी साहब, स्टेट के यूथ के वर्किंग प्रेसिडेंट नूर साहब, मुनाफ साहब बात नहीं कर सकते, मुनाफ साहब इधर से तशरीफ लाए, मेरे भाई गालिब हाशमी साहब, रशीद पटेल साहब, बड़े अच्छे अंदाज में हमारे पार्टी के एक्स कॉर्पोरेटर्स सिद्धराम हदलूर मामा, नाम वो लिंगायत समाज के हैं मगर मैं कभी उनको नाम से नहीं बुलाता, मामा उनको ही बुलाता हूँ, उन्होंने यहाँ पर अपने ख्यालात का जो इजहार किया, भाई मलिक नागनाडी साहब जो डिस्ट्रिक्ट के नायब सदर हैं और गुलबर्गा के सबसे मशहूर पर्सनालिटी मेरे बड़े भाई गुरमीत सिंह साहब ने अपने अंदाज में अपने जज्बात का जो इजहार किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। और आज इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे मेरे बड़े भाई हैं, सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं,
जो यहाँ पर मैं जानता हूँ कि वो बात करने के लिए आए, और बहुत सारे लोगों ने अपनी बात मेरे सामने रखी है, क्योंकि वक्त की कमी है। यहाँ पर हमको 4:30-5 बजे से पहले हमको प्रोग्राम खत्म करना है, और नबी साहब को भी आसिफ, फिर कल का प्रोग्राम है हुबली में, मुनाफ साहब को, इनायत साहब को हुबली को जाकर वहां पर ऑर्गेनाइज करना है। गुज़िश्ता दिनों में जो कर्नाटका में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में मैं आपके बीच उम्मीदवार की हैसियत से आपके बीच में आया था, और उम्मीदवार बनने से पहले भी गुलबर्गा शहर के तमाम जिम्मेदारों से मुलाकात करके, तमाम दुकानदारों से मुलाकात करके, उनकी राय लेकर, जब तमाम लोगों ने अपनी राय दी कि नाजिर साहब आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तो जब मैं जो है कैंडिडेट यहां पर बना, मगर इलेक्शन में जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आया। कोई बात नहीं, इलेक्शन में जीत हार होनी, अवाम ने अपना एक फैसला दिया, अवाम ने बीजेपी को इकतदार से दूर रखने के लिए एक सियासी जमात को मौजूद समझकर उसका साथ देने का काम किया। 3 इलेक्शन में एमएलए इलेक्शन लड़ा, 1 केजेपी से, 2 गठबंधन सेक्युलर से। गुरमीत सिंह साहब ने कहा धसा धसना अलग है, मगर मैं कहना चाहता हूं जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र इस बात की है कि मेरी ताकत कोई नहीं, उसके बावजूद मेरे साथ मौजूद हैं। मैं कोई एमएलए नहीं, ना मेरे वाले कोई एमएलए। हजार सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिलती नहीं हमारी। इलेक्शन में, सियासत में फैसले जो भी, मगर पढ़ा लिखता हूं, मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी सियासत में गुजारी, और सियासत में अल्लाह की कसम चमचा गिरी करने के लिए, पैरवी करने के लिए पैसे जमाने के लिए नहीं हूं मैं, सियासत में पैसे कमाने के लिए। मेरी एक अपनी सोच है, अपनी एक आइडियोलॉजी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मैं रिप्रेजेंट करता हूं उन लोगों को जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तमाम मजहब के लोग भाइयों की तरह जिंदा रहें, चाहे वो हमारे दलित भाई हो, हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, हम सब आपस में भाइयों की तरह जिंदा रहे हैं, और इंशाअल्लाह कयामत तक रहना चाहिए। और हमारे जिंदगी का सियासी मकसद इसी आइडियोलॉजी को, इसी प्रिंसिपल्स को, जिन प्रिंसिपल्स को बाबा साहब अंबेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, यहां के हमारे राजू हतूर मामा ने कहा कि अन्ना बसवन्ना की जो फिलॉसफी है, वीर शैव समाज की जो फिलॉसफी है, जो फिलॉसफी है कहती है कि इसका मजहब न देख, इवन आरव इवन आरव इवन आरव दिन सैया, इवन अम्मव इवन अम्मव इवन अम्मव दिन सैया कूड़ल संगम देव। ये कौन से जात का है, कौन से मजहब का है, देखने की जरूरत नहीं। ये आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाली एक सोच लेकर के हम आए, और हमारी सियासी जिंदगी का मकसद इतना ही है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज हैं, दलित हैं, बैकवर्ड्स हैं, इन तमाम लोगों के राइट्स के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए,
जो सियासी जमात इनके लिए लड़ती हो, आवाज उठाती हो, उन ताकतों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना, और ऐसी ताकत जो हिंदुस्तान में मजहब को भाई और भाइयों के बीच में दूरी बनाने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की काम करती है, वैसी आइडियोलॉजी आरएसएस की, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हमको जब तक जिंदा है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मंजूर नहीं है, यह ऐलान करने के लिए यहां पर हम मौजूद हैं। यहां पर जितने लोग आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश, मैं जानता हूं मीटिंग के बाद मैं बात करना चाह रहा था, मुझे मौका नहीं मिला, आपसे दो चीजों को मैं आपको से क्लियरिफिकेशन लेना चाहता हूं। यहां पर जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, बताइए हम कौन सी पार्टी को जाते हैं, कौन सी पार्टी को नहीं जाते, देखेंगे, देखा जाएगा, जरूरत नहीं है वो फैसला आप लिया जाए। आपसे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के इस ऐसे मरहले में जब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, क्या आप ऐसी सियासी जमात को ताकत देने के लिए तैयार हैं? कोई तैयार है बीजेपी के साथ जाने के लिए? कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इस आइडियोलॉजी के साथ? लास्ट पार्लियामेंट सेशन में हमारे पार्टी के सीनियर लीडर दानिश अली साहब, जो बीएसपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जब पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी वहां पर जब वो खड़े होते हैं बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको जिस तरीके से बात करता है, कटुआ क्या है, सबका साथ सबका विकास है, भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की घटिया सोच आज ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है वहां पर चुन के भेजी है, यह सोच क्या कोई कॉम्प्रोमाइज ऐसी सोच के साथ कर सकते हैं? क्या कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई गुंजाइश नहीं है कॉम्प्रोमाइज का, कोई गुंजाइश नहीं है। हम जानते हैं कि मुसलमान जनता दल सेक्युलर को वोट नहीं दिया है, उसका सबसे बड़ा खामियाजा वो मैं खुद जातियत में है, मेरे सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा भी हुआ है, इलेक्शन आ रहा हूं, मेहनत किया हूं, पैसा वाला हूं, एक टीम आप सब लोग उसके गवाह है और मेरे साथ किए हैं आप लोग, मुझको जितनी तकलीफ है आपको भी उतनी तकलीफ है। एमएलए हारना जीतना ये अलग, मिनिस्टर बनना नहीं बनना, इख्तदार में आना अलग, ये सियासत तिजारत की तरह देखी नहीं जा सकती। हारून खराबी साहब यहां पर बैठे हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, माल कितने में आया और कितने में गया, क्या मुनाफा हुआ क्या नुकसान हुआ, मुसलमानों के साथ खड़े होने से तुमको कितना नुकसान हुआ कितना फायदा हुआ, यह आपकी सोच हो सकती है, ताजिर की सोच हो सकती है, मगर जो शख्स सच में इस मिट्टी से मोहब्बत करता है, बाबा साहब अंबेडकर से मोहब्बत करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मोहब्बत करता है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे अगर यकीन रखता है तो वो फितरतन सेक्युलर रहन रखने वाला शख्स हो सकता है, जिस मोहब्बत के साथ हमारे हिंदू भाइयों ने आज कहा नासिर साहब हम आपके साथ हैं, जो भी आप फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। गुरमीत सिंह साहब ने कहा कि आप, एक छोटा सा किस्सा उन्होंने सुनाया
कि आप सांप से धसे जा रहे हो फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हो, ये बात नहीं है। मेरी सोच वो धसाने की सोच नहीं है। जब तक जिंदा हो हमारा मामला तो वो है कि हम अपनी जिंदगी में एक वो, मैं समझता हूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो वाक्य शायद आपको मालूम होगा, जब उनको आग में डाला गया, जलाया गया, तो एक छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में जो है जाकर पानी लेके उसको बुझाने के लिए जाता है। जब उसे पूछा गया कि इतनी बड़ी अंधेरे को तो कैसे बुझाएगा, कयामत के दिन, वो परिंदा बोलता है कि कयामत के दिन जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, यहां पर जितने लोग यहां पर हैं मुझसे पकड़ करके एक ही एक चीज है कि जब तक सियासत में रहा हूं, ईमानदारी के साथ रहा हूं, कमिटमेंट के साथ रहा हूं, उसूलों के साथ रहा हूं, मुझसे क्या हासिल हुआ क्या हासिल नहीं हुआ इसका हिसाब किताब आप कर लीजिए, मगर जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा सर उछा करके जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के इस आइडियोलॉजी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मैंने नहीं किया, हमने नहीं किया, ये सोच लेकर के हमको जाना है, इस विजन को हमको लेके जाना है। कुमाराना हमें बहुत तकलीफ है, मैं जानता हूं कुमाराना कबूल शख्स नहीं है, हम पार्टी से नाराज है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां खड़ा होकर कुमार स्वामी को गाली दूंगा, देवेगौड़ा जी को गाली दूंगा, नहीं दूंगा, मजबूरी है उनकी, मजबूरी है, मजबूर वो है पार्टी को बचाने के लिए, चार सीट मिलते हैं पांच सीट मिलते हैं उनके एमपी को जिताने के लिए, हम मजबूर हैं अपने उसूलों को बचाने के लिए, मिल्लत को बचाने के लिए, दलितों को बचाने के लिए, पिछड़ों को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम करने के लिए हम मजबूर नहीं है किसी सियासी जमात के तहत। बहुत सारे लोग यहां पर आ रहे थे, बीदर के हर तालुके के लोग यहां पर आज आने वाले थे, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आज हमारे पास लोग जुड़ने वाले थे, मगर आज मीटिंग बुलाया गया है। बिरजी गेस्ट हाउस में मीटिंग बुलाया गया है, बिरजी गेस्ट हाउस में मीटिंग कर दी जा रही है, जितने लोग गए तमाम लोग उसे फोन किए, नासिर साहब मीटिंग बुलाया गया हम जाना चाह रहे हैं, क्या नहीं जाना चाहिए, बबरा जाइए, नहीं आपका क्या फैसला है, मैं बोला मेरा फैसला क्या भी हो मगर एक फैसला बड़ा साफ है कि हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज आरएसएस के साथ बीजेपी के साथ नहीं कर सकते, ये स्टैंड हमारा क्लियर है, ये एमएनवी साहब का स्टैंड क्लियर है, मोहित अल्ताफ साहब का स्टैंड क्लियर है, इनायतुल्ला साहब का, मुनाफ साहब का स्टैंड क्लियर है, गुरमीत सिंह साहब का स्टैंड क्लियर है, सिद्धरा मामा का है, राजू हिरेमठ का भी स्टैंड वही है। मैं समझता हूं आज इतने लोग यहां पर आए हैं इस एक बात से आप तमाम लोग आपकी राय एक है, हाथ उठा के बोलिए एक है नहीं है, हमारे मुकद्दर में इकतदार आता है आने दो, नहीं आता नहीं आने दो, हम इस आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहेंगे, हम सेक्युलरिज्म के साथ खड़े रहेंगे। एक रेजोल्यूशन यहां पर इस मीटिंग में तय किया जाएगा और आगे की जो स्ट्रैटेजी है, डिसीजन मेकिंग है, वो सीनियर लीडर है हमारे नबी साहब, हमारे क्योंकि हम तमाम नौजवान हैं, उनके सियासी तजुर्बे के सामने हम उम्र में छोटे हैं, मोहित अल्ताफ साहब भी मेरे दोस्त, वो भी आने वाले थे, उनके रिश्तेदार का इंतकाल हुआ वो नहीं आ सके, हम तमाम लोग मिलकर के, मैं समझता हूं कि अगले महीने एक फैसला 5 या 8 तारीख को
वन लाइन रेजोल्यूशन के हम तमाम लोग एक होकर के बेंगलुरु में रेजिग्नेशन देने वाले हैं, कोई उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं। आगे का फैसला क्या होगा, जिस तरीके से होगा, कौन सी सेकुलर जमात आगे बढ़ करके हमारे साथ बात करेगी, क्या होगा नहीं होगा, वो मुकद्दर की बात है, किस्मत के फैसले हैं, उसका मुझे तो कोई जाति परवाह नहीं है। मेरे साथ जितने लोग हैं उनके इंटरेस्ट के लिए बात करना है, क्योंकि सियासी लोग हैं, इसलिए एक चीज को रखा है। मैं आप तमाम लोगों का दिल की अमीर कह रहे हैं, उनसे मैं शुक्रगुजार हूं कि कल एक ही दिन में, क्योंकि परसों तो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में फोन करना मुनासिब नहीं समझे, कल एक दिन में हमने यहां पर इतने लोग हैं नबी साहब, ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, यहां पर मैं समझता हूं कि 30-40 कॉरपोरेशन एक्स कॉरपोरेटर्स बैठे हुए हैं, कॉरपोरेशन कैंडिडेट बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, उलमाए कराम यहां पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदार यहां पर बैठे हुए हैं। ये कारवां अगर बढ़ेगा तो इंशाल्लाह ये आरएसएस को, बीजेपी को एक बहुत बड़ी ताकत के शक्ल में हम लोग उसके सामने खड़े नजर आएंगे, ये यकीन आप लेकर के आप आगे बढ़िए। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा हम सब मिलकर एक जो है आपका साथ देंगे, इस बात पे हम 100% क्लियर है कि हमको बीजेपी का और आरएसएस का हाथ साथ देना नहीं। मैं वक्त बहुत हो चुका है, और एक बार आप तमाम लोगों से, और एक दो लोग कोई अगर बात करना चाह रहे हैं तो मीटिंग से पहले भी बात कर सकते हैं, बात कीजिए। शुक्रिया आपका।